तो उसको उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि लाइक एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक कंपोजर है, जिन्होंने जिनके पास एक गाना है तो वो तुमसे बात करना चाहते हैं. तो मैंने उनसे बात किया, फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि लाइक यू हैव टू कम टू अयोध्या, लाइक आपको आगे इधर आगे गाना है और हम लोग शूट करेंगे और आपके दर्शन भी हो जाएंगे. तो तब लाइक इधर एक सब मतलब ऐसा हो कि एक में दो चीज़ उधर गाना भी शूट हो जाएगा और राम जी का दर्शन, जो कि मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ये प्राप्त हुआ. तो बहुत एक्साइटेड थी मैं तब से ही. अच्छा, दो दिन का या तीन दिन का जो शूट था उसमें अयोध्या के गलियों में भ्रमण किया, कैसे लगा कि अयोध्या ये कैसी है? अलग ही एक अलग ही शांति मिलती है. मतलब पहले एक दिन हम लोग होटल से स्टूडियो वही कर रहे थे, जब मंदिर पे जाके शूट हुआ तो शूट से पहले हम लोग दर्शन किया, इतना अच्छा लगा, शांति मिली. और सबसे बड़ी बात की उधर मंदिर में जब शूट कर रहे थे तो तब इतना लोग आके आके बोल रहे थे कि इंडियन आइडल विविधता, अरे आप ऐसे ऐसे हो. तो वे भी मतलब उधर ही बहुत प्यार मिल रहा था, सब आके फोटो खींच रहे थे. तो दैट वॉज ऑल्सो लाइक विच आई लव. एंड वो राम जी के दर्शन हुए, उसके बाद हमारा शूट शुरू हुआ. इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है. इसके पहले बहुत सारे गाने गाए होंगे. हाँ जी. और उसके बाद ये भजन जो गाया अयोध्या में गाया. हाँ जी. क्या डिफरेंस, क्या महसूस हुआ? डिफरेंस ये है कि ये मतलब मेरे लाइफ का ये फर्स्ट भजन है मैंने जो ये, और वो भी इतने बड़े वैसे लॉन्च हुआ है और इतना अच्छा इन्होंने कंपोज किया, इतना अच्छा इन्होंने लिरिक्स दिया है. तो मेरा ये पहला भजन है. इसके पहले मैंने दो तीन गाना अपना ओरिजिनल गाया है, बट फर्स्ट टाइम भजन है ये, तो कुछ अलग ही. और राम जी का वो भी है तो कुछ अलग ही. क्या ऐसा भी है कि भजन एल्बम अयोध्या का अगर ये और बनाए तो इसमें चाहेंगे? हमारी ऑलरेडी बात भी हो चुकी है इस बारे में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में फिर से अयोध्या आना है. आई वुड लव टू जस्ट मेरे को और मतलब और बार बार आना है इधर. इतना शांति मिलता है, इतना अच्छा लगता है राम जी को दर्शन करके. और पापा को स्पेशली, पापा तो जब कल दर्शन हुआ तो तब से बोल रहे थे कि क्या दर्शन हुआ बेटा, क्या दर्शन हुआ, मन को शांति मिल गया है ना ऐसा. तो ये गायन जो शुरू किया बचपन से, कब से शुरू किया? तो पापा का बड़ा रोल था उसके अंदर. हाँ जी, क्योंकि पापा शादी से पहले सिंगिंग करते थे और पापा घर के सबसे, घर में एक ही लड़के थे वो. तो उनको और उनकी दो बहन है, तो मेरी दो बुआ है, तो उनकी शादी वगैरह करना था. तो पापा ने वो उसके लिए गाना छोड़ दिया और फिर जो जॉब में वो थोड़ा सा फोकस्ड हो गए. तो इसलिए पापा मेरी दीदी भी है, तो मेरी और मेरी दीदी के अंदर वो सपना देखते हैं कि कुछ करूँ. पर दीदी तो एडवोकेट है, तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने प्रोफेशन में. तो पापा का वो सपना मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ बस. बहुत अच्छा. अच्छा, आगे भी जो इंडियन आइडल से जो पहचान मिली उसका क्या फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा. इंडियन आइडल ने लाइक बहुत कुछ दिया. सबसे पहले जो फेम, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग अभी जानते हैं ओके पुष्पलता चक्रवर्ती. अभी गूगल पे ऐसे सर्च दिखाता है कि लाइक पीपल ऑल्सो सर्च पुष्पलता चक्रवर्ती सिंगर, ऐसे लोग सर्च भी करते हैं. तो मेरे को वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि लाइक इतना प्यार मिल रहा है और इतना लोग मेरे गाने को पसंद करता है, तो मुझे और भी गाने मतलब एक पहचान मिली उससे. सबसे बड़ी बात पहचान भी, सबसे अलग सबसे. और दूसरी बात है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला गाने के बारे में. इतने बड़े बड़े दिग्गज जो लोग थे, हमारे जजेस, हमारे ग्रूमर्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि मेरे लाइफ में मेरे म्यूजिक के लिए बहुत हेल्प किया. बहुत लोगों ने फिल्मों में साइन करने के लिए कहा था और वहाँ पर रजिस्टर भी किया था, कुछ किया था. तो उसमें कुछ अभी जाने का चांस आया है कि उम्मीद है क्या? आई वुड से उम्मीद तो ऑब्वियसली मैं रखती हूँ, उम्मीद पे तो बहुत कायम है. पर अभी तक तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया नहीं, बट अगर आएगा तो ऑब्वियसली मैं तो प्राउडली फिल्म में ही गाने का मौका मिलता है. मैं तो पागल हो जाऊंगी फिल्म में अगर गाने का चांस आया तो. वो मेरा सबसे खुशी में पागल हो जाएंगे सभी, पापा, मम्मी, दीदी सब. और उसके अलावा क्या करती हैं गायन के क्षेत्र में? उसके अलावा आई एम डूइंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स. तो बिसाइड सिंगिंग मुझे इंटीरियर डिज़ाइन पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. गाने के क्षेत्र में और क्या? गाने के क्षेत्र में गाने के बिसाइड बोलूँ कि मैं ये करती हूँ. एल्बम है या और हाँ, गाने में तो लाइक एल्बम्स तो खुद के गाने पे फोकस ऑब्वियसली करना ही है. और लोगों से कनेक्ट करने के लिए शोज जो होता है, लाइव कॉन्सर्ट्स, वो भी मुझे करना है. बहुत पसंद है कि उधर जाके इतना प्यार मिलता है, हम साथ में गाते हैं सभी ऑडियंस में, वो बहुत मस्त है. जितना बहुत अच्छा लगा कि आप अयोध्या और अयोध्या में आके आपने भजन गाया और भजन जो एक बहुत अच्छा भजन कंपोज हुआ है, जो अयोध्या के लिए पहचान है. पूरी टीम जो है आपकी ब्लॉगर्स की और इसकी जो टीम्स हैं यूट्यूब की, तो पूरी टीम जो अयोध्या की लगी है
एक यूनाइट होकर अयोध्या का एक अलग पहचान बनाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए जो काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। उसमें आप भी भागीदार हैं और बहुत खुशी।